अगर आप बनाना चाहते हैं सात्विक भरता, जी हाँ, जिसे कहते हैं बिना भुने, बिना सेके, बिना लहसुन प्याज के, बिना किसी झंझट के, आप एक इंस्टेंट और क्विक भरता कैसे बनाते हैं जो कि स्वाद में भी हो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, तो आप ट्राई कर सकते हैं आज की मेरी इस रेसिपी को। वेलकम बैक टू माई चैनल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोना की रेसिपी पर। आलू बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के बैंगन। बैंगन को 2 टुकड़ों में काटकर पानी डालकर प्रेशर कुकर में आपको लगा लेनी है एक सीटी। एक सीटी लगाने के बाद अब आपको बैंगन के ये ऊपर के जो छिलके हैं और डंडी है इन्हें निकालकर ऐसे अलग कर देना है। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने लिया है 1 से 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सबसे पहले आपको तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल गरम हो जाने के बाद सबसे पहले तेल में हमने डालना है स्वाद अनुसार हींग। हींग के साथ साथ हमने डाला है साबुत लाल मिर्च, मेथी, साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, सभी पंचफोरन मसालों को डालकर आपको मसालों को पका लेना है। जैसे ही ये मसाले पक जाए मैंने डाला है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। मैंने टमाटर को पीस के डाला है, आप भी टमाटर को पेस्ट बनाकर ही डालें, यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। टमाटर डालने के साथ साथ मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से टमाटर और भी ज़्यादा जल्दी पक जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टमाटर पक चुका है? जब टमाटर पक जाएगा तो टमाटर से किनारे किनारे जैसा कि आप देखेंगे तेल अलग होने लगता है। टमाटर पकने के बाद आपको डालना है स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों को डालकर चलाते हुए आपको डालना है 1.5 से 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सभी को डालकर चलाते हुए आपको मसाले को अच्छे से पका लेना है। मसालों को पकाने के लिए आपको ऐड करना है मसाले में थोड़ा सा पानी और मसालों को पका लेना है। मसाले पककर तैयार है। अब हमें इसमें डालना है उबला हुआ आलू और बैंगन दोनों। दोनों को डालकर हमें इसे भरते में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके डिमांड पर किसी रेसिपी को बना के दिखाऊं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। आपका बैंगन का भरता बनकर तैयार है। अब स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटा चम्मच देसी घी का। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद है तो आप पूरी तरह से स्किप करें। और इसमें स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप ऐड कर सकते हैं कसूरी मेथी, धनिया पत्ता, लेकिन मैंने सिंपल से सिंपल तरीके से इसको बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं।